हेलो बच्चों, मैं संजीना हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, चलिए हम लोग आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पार्ट आठ मैं हूँ मधुमक्खी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो आइए आज इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखिए। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न क्या है? सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उनसे आपको वाक्य पूरे करने हैं। रिक्त स्थान दिया है, तो सही शब्दों को आपको वाक्य में लिखने हैं, लिखकर पूरे करने हैं। जैसे क में दिया है सोनाली डैश डैश आम आया। ठीक है बच्चों, चलिए बोर्ड पर लिखते चलते हैं। भाषा की बात में पहला है सोनाली, पहले का क देखिए, सोनाली डैश डैश आम आया, इसमें आप क्या लिखेंगे? सोनाली ने। बॉक्स में देखिए और वाक्यों को पूरा कर पाएगा। सोनाली डैश डैश आम खाया, इसमें लिखिए सोनाली ने आम खाया। इसके बाद हमें है यस ने वैभव डैश डैश, यस ने वैभव डैश डैश बुलाया। क्या बुलाया? ने बुलाया, क्या होगा? यस ने वैभव से बुलाया, नहीं, यस ने वैभव को बुलाया। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? को। ठीक है, ग में है मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर समूह डैश डैश रहती हैं, क्या होगा? समूह के रहती हैं, नहीं गलत, समूह में रहती हैं। ठीक है, ग में आप सब लिखेंगे में, समूह में रहती हैं। इसके बाद में है मधुमक्खियों के शरीर डैश डैश छोटे छोटे बाल होते हैं, मधुमक्खियों के शरीर पर, में आप लिखेंगे पर, छोटे छोटे बाल होते हैं। अंग में क्या लिखेंगे? मधुमक्खियाँ अपने स्वरूप अपने शत्रु पर डंक डैश डैश आक्रमण करती हैं, डंक से आक्रमण करती हैं। ठीक है, और दूसरा है, अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, दूसरा है कोष्ठक में दिए शब्दों के बहुवचन लिख कर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए कोष्ठक में एक वचन दिया हुआ है, इसे आप बहुवचन में बदल कर वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे दूसरे का क देखिए मधुमक्खियाँ, दूसरे का क है मधुमक्खियाँ डैश डैश से रस चूसती हैं, तो कोष्ठक में फूल लिया है ना, तो आप बहुवचन में क्या लिखेंगे? फूल एक वचन है, बहुवचन में आपको बदलना है तो लिखेंगे फूलों। क्या लिखेंगे? फूलों। ठीक है, मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। इसके बाद है रानी मक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडा दिया है, तो आप लिखेंगे अंडे देती है। देखिए यहाँ पर अंडे। इसके बाद ग में मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं, पैर है तो आप क्या लिखेंगे? पैरों, पैरों। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खी है, तो लिखिए मधुमक्खियों से बड़ी होती है। क्या लिखेंगे?
बॉक्स में देखिए कुछ विशेषण शब्द हैं, इन्हें आप संज्ञा शब्दों से पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे शहद, शहद के आगे आप क्या लगाएंगे, विशेषण क्या बनेगा, स्वादिष्ट शहद। देखिए शहद के आगे लिखिए, बॉक्स में से देख कर लिखे रहिएगा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी शहद। इसके बाद है मक्खी, मक्खी का विशेषण क्या लिखेंगे बताइए, बॉक्स में दिया है रानी, मक्खी कैसी है, रानी मक्खी है विशेषण, ठीक है। एंटीना कैसा है, एंटीना जादुई, बॉक्स में दिया है जादुई, एंटीना जादुई है। मधुमक्खी के सर के ऊपर दो यहाँ पर आगे एंटीना लगे होते हैं जादुई, ठीक है। गंध, गंध कैसी है, इसका विशेषण आप क्या लिखेंगे, बॉक्स में दिया है शारीरिक, शारीरिक गंध, ठीक है। पंख, पंख कैसे हैं, छोटे, देखिए बॉक्स में दिया है छोटे, यहाँ पर लिखिए छोटे विशेषण है, पंख छोटे हैं। रस कैसा है, विशेषण क्या दिया है, पतला, पतला रस है, ठीक है, रस का विशेषण होगा पतला। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इस अभ्यास के प्रश्न को 3 प्रश्न है, इसे आप सब अपनी पुस्तक में लिखेंगे, फिर CW की कॉपी पर, फिर HW, ठीक है। इतना काम आज आप सभी अच्छे से कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।